मैं हैप्पी सिंगला, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज। और इस समय की जो तस्वीरें हैं वो सिरसा के नेहरू पार्क से आपको ये तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं कि आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर सिरसा में तिरंगा यात्रा है वो निकाली जा रही है। और ये सिरसा के विधायक श्री गोपाल कांडा जी के अनुज गोविंद कांडा जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है। और यहाँ से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हर जगह पर जो तिरंगा है वो लहरा रहा है और शहरवासियों में पूरा जोश है, खुशी है आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर, और सब एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। तिरंगा है वो लहरा रहा है नेहरू पार्क से बिल्कुल सीधी लाइव। सर, आज हम माननीय गोपाल कांडा जी के समक्ष ये जो झंडा तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, इसे आज बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ी जो बहुत उत्सुक है और उन्होंने हमें बहुत प्रसन्न किया है किसी झंडा यात्रा में शामिल करने के लिए। बड़ी संख्या में हमारे पास महिला शामिल हुई है, जो ये बड़े शुक्रगुजार है कि हमारे माननीय गोपाल कांडा जी ने हमारे हमें इकट्ठा किया, इसके लिए हम बहुत शुक्रियामंद है। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 15 अगस्त से पहले ही आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और मेरे शहर में आज बहुत मतलब लोगों में उत्साह है तिरंगा यात्रा को देखकर, और आज यहाँ आप देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में आज ये तिरंगा यात्रा, मेरे ख्याल इस जिला का इतिहास होगा, इस जिला के इतिहास बना रही है आज ये तिरंगा यात्रा। और पूरे जिला वासियों को खुशी है, सबसे बड़ी बात ये कि आज इस तिरंगा यात्रा का हर जगह स्वागतम होगा, आप देखेंगे शहर के अंदर जगह जगह पर स्वागतम होगा। तो मैं उन शहरवासियों का भी और जो आज इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं इनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय। विधायक गोपाल कांडा जी के आह्वान पर आज बड़ी संख्या में, देखिए भाई मैं भाई गोपाल कांडा जी साथ ही थे गुड़गांव में और वहीं बैठकर एकदम अचानक प्रोग्राम बना के सुबह तिरंगा यात्रा निकालेंगे, और बड़ी जल्दबाजी में करके भी हमने ये तिरंगा यात्रा करी है। लेकिन इस तिरंगा यात्रा में देख रहे हैं कि आप आज हज़ारों की संख्या में हमारे बच्चे बच्चियाँ, हमारे सिरसा शहरवासी, हमारी बहनें आज हमारे साथ है जो तिरंगा यात्रा में अभी चलेगी।